हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है कुछ 6:19, 6:30 तक पहुंच जाऊंगा। और मम्मी पास्ता बना दिया तो स्कूल पास्ता लेके जा रहे हैं। 6 hours later। हाँ तो भाई, अभी स्कूल से तो आ गया हूँ मैं, और चलते सीधा नहाने, उसके बाद खाना खाएंगे। और छोटू भी अभी आया है। खाना में पोहा बना है। ये पापा पोहा खा सकते हैं क्या? आप खाए? कल हम लंच में भी पोहा लेके जाएंगे और अभी खाना में भी पोहा ही खाएंगे। आते हैं 1 घंटा में, समझो? चोट मत लगाना, ठीक है? हो रहा है कुछ 2:30 और नहा लिया, जा रहा हूँ खाना खाने। खाना में है पोहा। दीदी बोली कि बनाएगी तो चिकन और पास्ता बनाएगी, पास्ता अलग बनाती है और चिकन बनाती है, तो चिकन बनाएगी और पास्ता दोनों को फेवरेट करेंगे दीदी के साथ। और तो ऐसे ही ठीक ही है। स्कूल जाके तो ऑनलाइन में टाइम बहुत बच जाता था ना, स्कूल जाता था, स्कूल से आना नहीं पड़ता था, यही बात होता था। स्कूल खत्म हुआ, बस लैपटॉप जिसमें थे उसी में सब करने, फिर काम करने, फिर से बैठ जाओ। तो लेकिन अभी आना पड़ता है, फिर नहाओ, ये सब करो, वो सब करो, उसमें बहुत टाइम जाता है। और भैया अभी लैंड कर गया होगा मुंबई, अभी तो वीडियो कॉल किया ही था। तो माँ अभी पोहा ले आई है, कितना मस्त दिख रहा है। गाजर, ये कुछ तो है, बीन्स है शायद, और प्याज वाले सब। खाना बहुत ही मस्त था भाई, एकदम लाइट भी लगता है और हेवी भी लगता है। तो ठीक है, अभी चलते हैं थोड़ा बुक पढ़ने और फिर बाकी काम करेंगे। और आज तो भाई रामायण में बहुत मस्त वाला पार्ट आने वाला है, उसमें क्या बताऊँ, और कैसे दिखाता हूँ तुम लोग को। मतलब जो हनुमान जी जाते हैं ना सीता जी को बताने की, सीता जी को अंगूठी देना है राम जी का, वही वाला पार्ट तक मैंने पढ़ लिया है। वही जो लंका में आग लगाने वाला पार्ट और ये सब पार्ट, वहाँ तक मैंने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ना है मस्त वाला, बहुत मजा आने वाला। तो अभी वो तो पढ़ लिया है और कल से हम पढ़ेंगे महाभारत। तो अभी चलते बाकी काम करने, हो रहा है कुछ 3:46 और फिर अभी एक वीडियो पे एडिट करना था। अभी आधा घंटा हो चुका था क्योंकि स्कूल जाके थकान लग रहा था, कुछ कर ही नहीं पा रहा था, तो आधा घंटा से लेट हुआ था। व्लॉग इतना बड़ा बचा हुआ एडिट करने, कल रात को तो कॉफी से लगाना था, उसने पूरा व्लॉग एडिट नहीं हो पाया, लेकिन अभी इतना बचा करते हैं। तो अभी छोटू तो आ गया और भैया का गोजरा, भैया नहीं है ना पर तो पर। बढ़िया है। उससे कट जाएगा हाथ। और भाई स्कूल में भी आजकल बहुत मजा आ रहा होता है कि हम लोग मास्क पहन लेते हैं ना, कुछ भी कर रहे हो, हंस रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, टीचर को दिखता ही नहीं यार, हम लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं। तो मैंने मास्क कैसे बात करोगे, तो दिखता रहता है, मास्क पहन लो। और क्लास भी इतनी बच्चे करते, सबको मास्क पहनने में बोलता है। और लंच भी कोई लाता है तो इसका लंच ये लूट लेता है। जैसे मैंने आज पास्ता लाया था तो मुझे देना पड़ा, और मेरा एक दोस्त उत्तपम लाया था तो वो मेरे को उत्तपम दिया। कल मेरा एक दोस्त लाया था सैंडविच, तो उसका मस्त सैंडविच बिल्कुल मेयोनीज और सॉस सब डाल के था। मन नहीं कर रहा है, पर मैं हमको लस्सी देना बंद करो। वो लस्सी से वो कुछ थोड़ी हो रहा है, मत पियो। लेकिन वहाँ तो ना पोहा अच्छा लगता। अरे कल हम बोल रहे लंच में भी पोहा ले जाएंगे। वो उतना कर नहीं, पर सैंडविच बना रहे। एक दिन बोल रहा था, लड़का लोग को पहले बता रहे थे पास्ता कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा, लूट लूट के खा रहा। लूट लिया मैंने, छोटू को छोटू नहीं खाया। अरे पूरा खाए हम तो, दे दिया। पीनट बटर कौन खाता है इतना? मैं छोटा सा पिताजी खाने मारे तो जानना, हमको आईब्रो बनाना। आईब्रो काहे बनाएगी? मम्मी सुंदर दिखने के लिए। तो 16 का बनवाना ना, पार्टी में जाओगी तो पहले ही बनवा लेंगे। तो तब तक रहेगा? बाल थोड़ी है। चाय पी नहीं भैया? नहीं है तो छोटू का खेल नहीं रहा। थोड़ा सा लगता है। तो अभी कहाँ है भैया? आयुष भैया घर में? ये लिखते लिखते क्या अजीब हो जाता है, कोनी क्रीम लगा लेते हैं पहले, नहाने के बाद लगाता हूँ, लेकिन आज ऐसे ही लगा ले रहा हूँ। यार मुझे अभी अभी थॉट आया कि जो 24 घंटा ये लोग ये जैसे डालो ऐसा ही रहता है, ये रहता कैसे? लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता क्योंकि नॉर्मल तो स्टील ही है ना, और वो भी कह सकता है। तो इस पर हम थोड़ा रिसर्च करते हैं। चलिए
तो अभी मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला ये इसको वैक्यूम बॉटल भी बोलते हैं, जो थर्मस होता है ना उसको वैक्यूम बॉटल भी बोलते हैं। होता है इसको मैं बंद कर दूँ, ये बिल्कुल अच्छे से लॉक करना होता है, नहीं तो गर्म नहीं होता या फिर ठंडा, फिर गर्म होता हो जाता है या फिर ठंडा हो जाता है। एकदम इसको टाइट कर देते हो, क्या हो जाता है वैक्यूम बन जाता है, तो इससे जरा भी एयर निकल नहीं सकती। तो अगर मान लो गर्मी है और उसमें ठंडा पानी है तो ये हीट को अंदर घुसने नहीं देगा ताकि ठंडा पानी ठंडा ही रहे। सर्दी और गर्म पानी है तो सर्दी को अंदर नहीं घुसने देगा ताकि गर्म पानी गर्म ही रहे। फिर तुम जो भी लिक्विड डालोगे। पापा चलिए घूम के आते हैं टहल के। क्या रिपोर्ट? खाना में क्या खाया आप? हम सुबह ही फल उल खाए, उसके बाद थोड़ा सा ढोकला खाए थे और अभी हरा हूँ। अरे बोल रहे माँ कहाँ गई? कुछ आने गई हूँ। हम भी चलते हैं आपके साथ। कहाँ जाओ? तीन आदमी है। सिमी भी जा रही है? नहीं, हम बिना स्कूटी में जाएंगे ना। तो अभी हो रहा है 6:36 और मैं जा रहा हूँ थोड़ा गेम खेलने, उसके बाद मैं बैठूंगा 8 बजे से एडिटिंग करने, क्योंकि मुझे एक शॉर्ट भी एडिट करना है तो उसमें 2 घंटे जाएंगे, और फिर वीडियो भी एडिट करना तो उसमें भी 2 घंटे जाएंगे। 4 घंटे एक स्ट्रेच में एडिटिंग करनी है, तो मैं आधे घंटे गेम खेलूंगा फिर 1 घंटे काम करूंगा, 1 घंटे में प्रोग्रामिंग सीखूंगा। मैंने बहुत दिन से मैं उसको टाल रहा हूँ, आज प्रोग्रामिंग सीख लेंगे, प्रोग्रामिंग कल सीख लेंगे, आज 2 काम और है मेरे वो कर देंगे और प्रोग्रामिंग कल सीख लेंगे। तो अभी चलते हैं, गिटार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उन्होंने एक मस्त गाना मैं सुना था, बस थोड़ा हाथ मारने दो, बहुत मजेदार है। मुझे पुराने गाने से पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसमें इंट्रो और ट्यून बहुत बढ़िया होता है पुराने गानों में, आजकल के गानों में होता है लेकिन पुराने गाने जितना अच्छा नहीं होता, पता नहीं मुझे ऐसा लगता। और मैं जिस दिन मन करता है नीचे जाके खेलूं तो सोचते सोचते ही पता नहीं शाम हो जाता, सब चल भी जाते हैं। हमको बहुत भूख लग रहा है, एकदम कुछ मत खिला दो। तो मेरा अभी संतरा खाने का मन कर रहा, तो मम्मी बहुत ही अच्छी है वो, मम्मी बोली, मैंने बोला मम्मी को कि उसका जो लेयर के बाद जो एक लेयर होता है ना व्हाइट कलर का पील बोलते हैं जिसको, तो वो उसको भी हटा दो। क्या सब्जी बना रही हो? सब्जी छिलका खा के तो देखो, चबाओ कितना मस्त लग रहा है खा के, देख रहे हो कैसे मुंह बना रहा जूटा कहीं। कितना देर होता था आपका स्कूल? 9 बजे से 12 बजे, बस 3 घंटा। सुनो ना, उसका 1 घंटा का टिफिन, 1 घंटा का, उसका 1 बजे से 4 बजे, कितना देर? 7 घंटा। हम लोग गनी गनी कुछ नहीं था, मतलब कॉपी किताब से 1, 2, 3 सरिया है ना, है आज देखो ऐसे पकड़े, चाहे कोई ऐसा पकड़ा और चला। स्कूल में डेस्क रहता था, उसमें रख दिए, नीचे रख दिए, एक एक निकाल के। तो टिफिन का स्कूल वाला देता था? तो टिफिन कौन? टिफिन तो 1 घंटा छुट्टी देता था ना, उसी में घर आके खाक चल जाते। तो घर कहाँ जाते थे? पैदल, नीचे चौक देख रहे हो ना, आंगनबाड़ी जाना वाला रोड, थोड़ा दूर जाओगे बाएं साइड में, तुम इधर बनाते हो उधर बोलते हो। ठीक है चलो, आज के व्लॉग के लिए इतने, रखते तुम लोग से मिलेंगे किसी और व्लॉग में, तो ठीक है, जब तक गुड नाइट, गुड बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।